आक्रोशित छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, आशुतोष दुबे के परिवार को मुआवजा देने की मांग। विश्वविद्यालय के अड़ियल रवैये के खिलाफ गुरुवार को छात्र नेताओं ने सभी छात्र संगठनों की सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन के अड़ियल रवैये की निंदा की गई। आंदोलन को लीड कर रहे छात्र नेता अजय यादव सम्राट का कहना है कि जब तक छात्र आशुतोष दुबे के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाएगा और चीफ प्रॉक्टर वार्ड DSW की गिरफ्तारी नहीं होगी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, आर्यापार की लड़ाई होगी। मैं 1090 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, मैंने आज तक कोई हिंसा नहीं की, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। विश्वविद्यालय चाहता है कि साजिश के तहत महिलाओं को आगे करके आंदोलन की धार कुंद कर दी जाए और छात्र नेता अजय यादव सम्राट को जेल में डाल दिया जाए। महिलाओं ने छात्रों के साथ मारपीट की और अभद्रता की है, यह विश्वविद्यालय प्रशासन की साजिश है। छात्र नेता अजय यादव सम्राट ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन रवैये के खिलाफ और छात्र आशुतोष दुबे की आत्मा की शांति के लिए छात्र संघ भवन से शाम 6 बजे एक कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर होता हुआ छात्र संघ भवन में अमर शहीद लाल पद्मधर की प्रतिमा के पास खत्म होगा। कैंडल मार्च छात्र आशुतोष दुबे की आत्मा की शांति के लिए तो है ही, साथ ही ये संदेश देना कि हम अन्याय के खिलाफ झुकेंगे नहीं और आशुतोष के परिजनों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे।